हाय गाइस, क्या आप लोग भी यहाँ पर कुछ इंडियन आइटम्स हैं जो इंडिया की बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं उनको आप मिस करते हो और यहाँ पे उनके सब्स्टिट्यूट्स ढूंढते हो? ऐसे कई सब्स्टिट्यूट्स हैं जो आपको नेदरलैंड्स में मिल जाएंगे यहाँ के नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर्स में, जैसे कि एल्बर्ट हाइन हो गया, जम्बो हो गया। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट्स बताऊँगी जो मैंने ढूंढे हैं यहाँ पर। अच्छा ये बता दो, जब लोग यहाँ से इंडिया जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर? तो भाई मेरा तो पहला ब्रेकफास्ट अमूल बटर के साथ होता है, गर्मा गर्म पराठे और अमूल बटर। अमूल बटर तो भी मेरा बचपन का प्यार है और यहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर्स, इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स पे मिल जाता है, बट हाँ मतलब मैं प्रेफर नहीं करती। कई बार प्रॉब्लम होती है उसकी एक्सपायरी डेट की, या फिर पता नहीं कितना पुराना इंडिया से आया होगा, तो हमने उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया यहाँ पर जो कि डच स्टोर्स में इजीली अवेलेबल हो जाता है, और वो एक फ्रेंच बटर है जिसका नाम है कैरी गोल्ड बटर। तो कैरी गोल्ड बटर का जो टेस्ट है अमूल बटर के साथ काफ़ी मिलता जुलता है, नॉट एग्जैक्टली द सेम बिकॉज अमूल बटर की कोई मुकाबला नहीं है बिकॉज इट्स वेरी क्रीमी अमूल बटर। तो कैरी गोल्ड काफ़ी क्लोज है, और कैरी गोल्ड में अलग अलग टाइप्स भी आती हैं। जैसे आप डस्ट स्टोर्स में लेने जाओगे ना तो इसमें दो टाइप्स आती हैं, एक तो विद सॉल्ट वाली और एक विदाउट सॉल्ट वाली। यूजली जो ग्रीन पैकिंग है, जो ये अभी सामने आपके दिख रही है आपको, ये पैकिंग जो है विद सॉल्ट वाली होती है। विद सॉल्ट को हम गिजाउतन के साथ नाम बोलते हैं, गिजाउतन। ये विद सॉल्ट वाला है और एक विदाउट सॉल्ट है जिसकी आई थिंक येलो पैकिंग होती है, वो ओन गिजाउतन लिखा होता है। तो आप गिजाउतन वाला ट्राई करो, आई थिंक आप रिग्रेट नहीं करोगे, आपको खूब पसंद आएगा ये वाला बटर, ट्राई करके देखना। बचपन में हमने ये वाली ऐड बहुत सुनी होगी, मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी। तो फ्रूटी बचपन का सबका प्यार होती है, बचपन का प्यार। तो यहाँ पर भी उसका एक सॉल्यूशन है, अगर आप नॉर्मल स्टोर्स में जाओगे तो वहाँ पर नेक्टर के नाम से, अल्बर्टाइन, जैसे मैं अल्बर्टाइन में गई हूँ, नेक्टर के नाम से आपको मिल जाएगा। उसमें अलग अलग फ्लेवर्स हैं, जो मैंगो फ्लेवर है वो फ्रूटी फ्लेवर से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो ये भी आप ट्राई करके देखो, खूब मज़ा आएगा। और ये मेरी डॉटर है जो अभी आपको फ्रूटी के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे देगी, सेल्स पिच नहीं है बट हाँ उसको अच्छा लगता है ऐसे बोलना, तो ध्यान से सुने। ये क्या है? ये जैसे फ्रूटी होता है इंडिया में वैसे ही है मैंगो। हमारे पास सिर्फ घर पे आता है, हम ये यूज करते हैं, हम यहाँ एडवर्टाइज से लाते हैं और इतना महंगा भी नहीं होता, 170 यूरो। ओके ओके, हमें सेल नहीं करनी बट हाँ इसका फ्लेवर बिल्कुल फ्रूटी की तरह होता है ना। एक बार जूम करके दिखा दे यहाँ पे, ये रहा। और जैसे कोई बच्चे आए ये एडवर्टाइज खरीद लो, और जैसे छोटे बच्चे हैं एल्बर्टाइन आ जाओ और ये खरीद लो, बहुत अच्छा होता है। हम ये अपने बच्चों को हैंडल करना। तो भाई बच्चों को हैंडल करने का एक और तरीका भी है, उनको गर्मा गर्म आलू की पैटीज बना कर दे दो, जैसे कि हमने इंडिया में खूब खाई होंगी अपने कॉलेज की कैंटीन्स में, स्कूल की कैंटीन्स में। तो भाई उसको कैसे ढूंढ सकते हैं? ये यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल है उसकी शीट्स, इन शीट्स को बोलते हैं ब्लादर देख। तो ये ब्लादर देख जाओ, आपको वहाँ के जो फ्रोज़न सेक्शंस होते हैं ना, जो डच स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। और रेसिपी बहुत इजी है, अगर किसी को रेसिपी पूछनी है तो वो मुझे अलग से मैसेज करे, डीएम करे, तो मैं रेसिपी का भी एक बता दूंगी इसमें क्या है। ये क्या है? ये वह लीला फ्ला का मतलब होता है कस्टर्ड। इसमें बहुत अच्छे से इसको फ्रूट, इसमें फ्रूट डालो और इसमें ये फ्ला डाल दो। रेसिपी बता रहे हो? ऐसे भी खा सकते हैं इसको बिना फ्रूट के? हाँ जी। ओके, और इसमें और भी फ्लेवर्स हैं वनीला के अलावा? या ब्लैक है जो मुझे पता नहीं क्या है, या चॉकलेट, चॉकलेट फ्लेवर भी है। डबल फ्लाई एंड एड बाय वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। दिखाना आगे लाके वनीला और स्ट्रॉबेरी वाला। थोड़ा सा ज़ूम कर लेते हैं। नाइस, दिस इज वेरी गुड फॉर डिनर। जैसे आपके पास कोई डिनर है, एल्बर्टाइन आ गया और ये वेरी गुड। और उसके बाद आई है लस्सी, यहाँ पर लस्सी भी अवेलेबल है जी, देसी स्टाइल की लस्सी। अगर आपने मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाया है तो उसके साथ लस्सी कैसे पीछे रह जाए?
तो यहाँ पर लस्सी का भी एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है जिसका नाम है कारने मिल्क। तो ये कारने मिल्क इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, जहाँ पर आपका मिल्क सेक्शन होता है ना वहाँ पर ये भी पड़ा होता है। अलग अलग ब्रांड्स हैं, यूजली मैं होम ब्रांड प्रेफर करती हूँ, तो ये लेकर आओ। इसके अंदर आपने जो भी अपनी लस्सी के अकॉर्डिंग, हम लोग तो मसाले बहुत डालते हैं ना, लस्सी के अकॉर्डिंग डालो अपना नमक वगैरह और जो भी चीज़ डालनी है और उसको पी जाओ, मस्त लगता है। और अब आती है हलवे की बारी। तो यहाँ पर हलवा भी बहुत लोग खाते होंगे, सूजी का हो गया, आटे का हो गया, तो यहाँ पर हलवे के लिए सूजी भी मिल जाती है। भाई आपको इंडियन स्टोर में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, डच स्टोर जो होते हैं ना घर के आसपास होते हैं, तो वहाँ पर आप जाओ और जाकर सूजी उठा लो। सूजी क्राइस मेल के नाम से मिलती है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, तो आप वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो हम लोग तो डच स्टोर से ही लेते हैं ये सारी चीज़ें। अब आती है छोले भटूरे की बात। तो भटूरों का आटा जो होता है वो भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो एल्बर्ट आइन पे या जंबो पे जो भी यहाँ के लोकल स्टोर्स हैं वहाँ पर जाओ और ये आटा आपको मिल जाता है। तो इस आटे का जो नाम है उसको बोलते हैं सेल्फ रेजिंग फ्लावर। और यहाँ पर आटे की कई टाइप्स आती हैं, तारवे ब्लूम और भी बहुत अलग अलग टाइप्स आती हैं, जिसमें किसी में थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा मिला होता है, किसी में मैदा ज़्यादा होता है। तो ये जाओ, मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, ये भी यहाँ पे सेल्फ रेजिंग फ्लावर की है, तो यहाँ पर वो भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये तो थी सारे के सारे सब्स्टिट्यूट्स की बातें जो मैंने आपको अभी बताई हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी इंडियन ग्रॉसरीज होती हैं जो आपको डच स्टोर्स में ही मिल जाती है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आ जाती है आपका पराठा, रोटी पराठा। तो ये एक सिंगापुरी पराठा है जो आपको एल्बर्ट आइन पे मिल जाएगा। आई थिंक इस पैकेट के अंदर 5 पराठे होते हैं एंड दे आर वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू जो आप इंडियन स्टोर्स में आप पराठे लेते हो, 4-5 यूरो या 6 यूरो भी पे करते हो एक पैकेट का। आई थिंक ये वाला पराठे का जो पैकेट है 2 यूरो से कम का पैकेट है, एंड दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड वेरी टेस्टी पराठा, ये आप ट्राई कर सकते हो। अब आते हैं टोमेटो, जो कि प्यूरी बनी होती है टोमेटो की और मैश टोमेटोज होते हैं, इसको बोलते हैं घपेल्ड टोमेटन। ये भी एल्बर्ट आइन पे आपको या जंबो स्टोर्स में मिल जाते हैं, इजी टू यूज़, उठाकर अपनी सब्जी में कोई भी करी में डालो और दे एक्चुअली आर वेरी टेस्टी फ्लेवरफुल। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, इट्स अ नाइस ऑल्टरनेटिव फॉर रियल टोमेटोज। आगे आता है हमारा स्टेपल फूड, जैसे कि बासमती राइस। आई थिंक इसको तो सारे इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बट इट्स गुड टू मेंशन कि ये डच स्टोर्स में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के राइस हैं, जैस्मिन राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई नहीं की हैं, मैं राइस तो इंडियन स्टोर से ही जाकर लेती हूँ। अगर आपने इसमें से कुछ ट्राई किया और आपको कोई अच्छा लगता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि गार्लिक नान और सूरेनामी रोटी और अलग अलग टाइप के नान की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आड़े वक्त में जब आपका खन घर में रोटी बनाने का मन ना कर रहा हो और आपके आसपास कोई ऐसा स्टोर हो डच स्टोर, तो यहाँ पर ये वाली ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग टाइप के लेंटल्स, बीन्स, कॉर्न्स का आटा जिसको आप मक्की का आटा भी बोलते हो, ये सारी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और बहुत वैरायटी है यहाँ पर। ऐसी चीज़ें जो मैंने कभी इंडिया में भी नहीं खाई और यहाँ पर भी मैंने वैसे ट्राई नहीं की है, और यहाँ तो ये काफ़ी चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। सो फॉर दोज लेजी डेज यहाँ पर रेडीमेड मसालास भी अवेलेबल है, जैसे कि कोरमा मसाला हो गया, आपका तंदूरी मसाला हो गया, एंड टू माय सरप्राइज़ यहाँ पर मैंगो चटनी भी है। तो हाँ, मतलब यहाँ पर इतना इंडियन जनता है कि काउंटर पर इनके डच स्टोर्स में मैंगो चटनी भी आ गई है, मे बी अचार भी आ जाएगा कुछ टाइम में। तो जो आप ग्रीन बॉक्स में देख रहे हो गार्लन, ये है गार्लिक बटर, इट्स यम्मी, इट्स वेरी डिलीशियस। तो हम क्या करते हैं, एल्बर्ट आइन जाते हैं, वहाँ पर जाकर एक स्टुप ब्रेड आती है, हार्ड सी ब्रेड होती है, उसको लाओ, उसको कट करो और उसके ऊपर इसको स्प्रेड करके खा लो, इट इज़ वेरी यमी।
कई बार मैं कहती हूँ यहाँ पर भी वैरायटी की कमी नहीं है, डिफरेंट टाइप के सिरप्स आते हैं, कॉकटेल मॉकटेल, या फिर आपको पानी के अंदर भी डालकर इसको पीना है तो, एंड देन देर आर डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल, कोई भी जाओ ट्राई करके आओ। मेरा फेवरेट है कोकोनट और पाइनएप्पल टेस्ट। तो भाई इंटरनेशनल कंट्री है तो वैरायटी भी बहुत सारी होती है, इंटरनेशनल होती है, इंडियन, टर्किश, सूरिनामी और भी बहुत टाइप की चीज़ें यहाँ पड़ी होती हैं। ये याकुल्त आप जो देख रहे हो ये भी एक टाइप की लस्सी है, लस्सी का ब्रांड है और बहुत यमी होती है, बहुत टेस्टी होती है, तो इसको भी ट्राई करके देखो ना। आपको पता है क्या है? क्या है ये दिखाओ? ये बताती हूँ, ये एक पूरी लॉलीपॉप की तरह और आइसक्रीम का मिक्स है, उसमें फ्रीजर में डाल दो, फ्रीज हो जाएगा, और इसमें कोला और भी सारे फ्लेवर्स है, फ्रीज कर दो, जूस लो। आइसक्रीम है ये पूरी की पूरी, है ना? यस, लोलीज। बस अभी ये पानी के साथ है, फ्लेवर्स के साथ, लॉलीपॉप आइसक्रीम, ठीक है।